Hello everyone. Hello everyone. Today I'm going to show you how to make andar se or it is called arisalu or andar se. It is made with like rice malpua. It is made from rice flour and this jaggery. And we are using this yellow color jaggery here or the white. We in general we call this the white one, not the brown one. And the rice flour powder. You can see this is a fine nice flour powder and we have nicely sieved it. हमने इसे अच्छे से छान लिया है. इस आटे को, चावल का आटा है ये. इस चावल को हमने भिगो दिया था, फिर अच्छे से धोकर इसको सुखा कर फिर उसके बाद इसको हमने पीस लिया है. दो से तीन बार इसे छान लेना है, फिर हम इसका मेल्ट कर लेंगे इसको और दिखाएंगे ये कैसे बनेगा. और इसमें दोनों को हमने मिक्स कर लेना है. अभी हम गुड़ को इसमें डाल दिया है एंड इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया था, लेकिन इसमें और थोड़ा सा पानी डलेगा और हम इसके अंदर पानी डालेंगे. थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे. 3 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है और इसे कंटिन्यू स्टिर कर लेना है इस तरह, ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए. हम आपको थोड़ा सा ही बना के दिखा रहे हैं ताकि एक बार आप ट्राई भी कर लें, क्योंकि एक से दो बार अच्छा बनेंगे तो उसके बाद आप लोग ज़्यादा बना सकते हैं. इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं. ये अच्छा तार आने तक इसको पका लेना है. अब देख सकते हैं ये काफ़ी. और इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर. और इसे हम स्टिर कर लेंगे अच्छी तरह. आप देख सकते हैं कि इस तरह ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है. थोड़ा सा जब ये स्टिकी हो जाएगा तब हम इसे बंद कर लेंगे और वाटर से इसे चेक करना है. आप एक प्लेट में पानी लें. यहाँ देख सकते हैं हमने पानी लिया है एक प्लेट के अंदर और इसमें हम डालेंगे एक ड्रॉप और इसे चेक कर लेंगे यह और नहीं बना है. इसे और अच्छी तरह बस एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए और इसे और चलाते जाएं 1 मिनट और ये बन जाएगा. अभी हम चेक कर लेंगे फिर दोबारा. और थोड़ा होना चाहिए. मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं कैसे कैसे पकाना है. बहुत अच्छी पूरी बनेगी इसकी. हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है इस तरह, लेकिन इसे और होना है. ये बॉल की तरह बन जाएगा जब हम इसमें डालेंगे. इसे और भी चला लें, कंटिन्यू स्टिर करते रहें ताकि ये दाग ना लगे. और बहुत धीमी आंच पे पकाएं. कुक इट ऑन ए वेरी लो फ्लेम. अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है. हम फिर से चेक करेंगे. यस, दिस अपीयर्स टू बी वेरी गुड बट स्टिल वी हैव टू. अब हम बंद कर लेंगे फ्लेम क्योंकि ये बन चुका है और इसमें काफ़ी 1 मिनट तक तो गर्मी रहेगी, हीट रहेगा. तो इसके अंदर हम डालेंगे आटा, चावल का आटा. आप डालें बस एक बाउल
आटा और ऐसे हम चला लेंगे, स्टिर करेंगे अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। आप चाहे तो एक बड़ा सा स्पून ले लें और ऐसे हिलाते जाएं। मैं दिखाऊंगी कि मिक्स करने के बाद ये कैसा बनेगा फाइनली। आप अभी देख सकते हैं कि इस तरह ये पेस्ट बन चुका है। अभी इसे हम ठंडा कर लें तकरीबन 5 से 10 मिनट या 15 मिनट इसको छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाएगा। मतलब इसको हम रूम टेम्परेचर को लाना है। इसके बाद हम शुरू करेंगे बनाना ये पूरी। आई हैव एडेड ऑयल एज वेल एज घी इन अ पैन। यू कैन सी दिस इज बोथ ऑयल एंड घी एंड हियर इज अवर बैटर सो विच इज नाइस एंड रेडी एंड वी हैव टेकन दिस। दिस इज खसखस। सो हमने खसखस ले लिया है और हमारा पेस्ट इस तरह बन चुका है। क्योंकि हमने वाइट गुड़ लिया है इसलिए इस कलर है ये। और हम एक प्लास्टिक कवर लेंगे, ये कवर है, इसको हम घी लगाएंगे, घी अप्लाई करेंगे इस पर। इसके इसमें तुरंत हम डालेंगे ये पेस्ट घी अप्लाई करने के बाद और हम इसे पूरी की तरह फैला लेंगे और इसके बाद हम इसे तल लेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करें। हमने घी लगा लिया है इस कवर पे और हम ले लेंगे आटा और हम एक बॉल की तरह बना लेंगे पहले। इस तरह फिर इस पर रखेंगे और हम ऐसे राउंड बना लेंगे कुछ इस तरह और इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम डालेंगे ऑयल के अंदर, ऑयल और घी के अंदर। ऑयल गर्म होना चाहिए, काफ़ी गर्म है ये। अब हम इसमें डाल लेंगे हमारी पूरी। आप अब देख सकते हैं ये कुछ इस तरह बनेगा। ये देख सकते हैं जब ये ऊपर आने लगेगा, इसको ना हिलाएं अभी, लेकिन जब ये ऊपर आने लगेगा से हल्के से पलटा दें। यह बहुत नाजुक चीज है, इसे बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। इसे बस कुछ इस तरह पलटा लें। हमने पलट लिया है इसे और हम इसे हम देखेंगे इसे और एक कि किस तरह हो चुका है ये। बस ये हो गया है। इसे एक और एक स्पून की मदद से इसे दबा लें और सारा तेल निकाल लें इस तरह, कुछ इस तरह सब ऑयल निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है वरना इसमें बहुत ऑयल रहेगा।
अब हम इसे हम अपने प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इस पर हम डालेंगे हमारा खसखस जो है, इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे और हमारा बहुत ही स्वादिष्ट जैगरी, बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी एंड वेरी वेरी टेस्टी, ये अंदर से कहते हैं इसे अरसल कहते हैं हम, ऐसे पूरी भी, जैगरी एंड चावल का आटे का पूरी भी कह सकते हैं, एंड दिस इज़ रेडी। सो एंजॉय दिस गाइस, मैं चाहती हूँ आप सब लोग बनाएं इसे घर पर और एंजॉय करें और अपने फैमिली को दें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइज़।